हेलो एवरीवन, वेलकम टू पके स्टडी। पके स्टडी एजुकेशन चैनल रे आपण मानंकु स्वागत। तबे आज आमे डिस्कशन करिबा हु इज हु, जाकि आपणकर लेटेस्ट अपडेट रहिछि मे 2022 सुधा जहाँ भी करंट अपॉइंटमेंट हेछि सेगुडीक आमे डिस्कशन करिबा, जाकि आपणकर परीक्षा प्रस्पेक्टिव रु मोस्ट इम्पोर्टेंट। तेणु भिडियो को प्रथम रु लास्ट पर्यंत देखंतु, एवं जे माने आमर चैनल को एबे पर्यंत सब्सक्राइब करिनाहंती चैनल को सब्सक्राइब करिदेबा सहित बेल आइकन को मध्य प्रेस करि दियंतु, जहाँफलर आपण लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्दी रु जल्दी पाइपरिबे। तबे चालंतु डिस्कशन को आरंभ करिबा। तो प्रथम आम डिस्कसन करवा मे 2022 रो टोटल जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट है, आज हूँ 21 तारीख। तो 21 तारीख भितर आपंकर मे मसर जितक करंट अपॉइंटमेंट है सेगुड़िक प्रथम डिस्कसन करवा, यह सहित आपंकर अन्य समस्त जो अपॉइंटमेंट गुड़िकगुड़िक डिस्कसन करवा। तो चलतु आरंभ करवा। तो देखो प्रथम आपणकर इंडिगो, तो इंडिगो रिसेंटली सीओ कर मे मसरे इंडिगो रो सीओ होती, समस्ते भल भाव मन रखु इंडिगो जहाँकि एयरलाइंस आपण मैंने जानते। तो इंडिगो सीओ कर पीटर एल्बर्स। तो पीटर एल्बर्स होती सीओ ऑफ इंडिगो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप रही बीएससी रो न्यू चेयरमैन, बीएससी मैंने आपंकर कौन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रो रिसेंटली चेयरमैन होती एस एस मुंड्रा। तो एस एस मुंड्रा होती न्यू चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बा बीएससी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप रही आइचर मोटर्स। तो देखो आइचर मोटर आप जानते आइचर मोटर रो जो आम रॉयल एनफील्ड। तो आइचर मोटर रो रॉयल एनफील्ड, तो आइचर मोटर रो जो रॉयल एनफील्ड रही बुलेट आप जानते तार रिसेंटली सीओ सी अपॉइंट करी जहाँकि बी गोविंद राजन को, गोविंद राजन। तो बी गोविंद राजन रॉयल एनफील्ड रो सीओ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप रही ग्राम उन्नति। तो चेयरमैन तो मे मस कौच चेयरमैन ऑफ ग्राम उन्नति। तो चेयरमैन ऑफ ग्राम उन्नति रिसेंटली अपॉइंटेड होती सुनील अरोरा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप रही एलआंटी न्यू सीओ। एलआंटी मैंने आपंकर जानते आप एलआंटी आम जो कंस्ट्रक्शन कंपनी रही, तो एलआंटी रो न्यू सीओ। तो एलआईटी मैंने आपको लेसन एंड टिबर्गो जोटा तार मानने कंस्ट्रक्शन कंपनी रही है एलआईटी तार सीओ रिसेंटली अपॉइंटेड होती एसएन सुब्रमण्यम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप रही डेनमार्क बेस्ड मारिटाइम आंटी करप्शन नेटवर्क जोटा रही रिसेंटली न्यू वाइस चेयरमैन करी जहाँकि कैप्टेन राजेश उन्नी को, कैप्टेन राजेश उन्नी होती रिसेंटली जहाँकि डेनमार्क बेस्ड। तो मुझे लिखिदे डेनमार्क बेस्ड आंटी करप्शन नेटवर्क रो वाइस चेयरमैन। तो समस्ते भल भाव मन रखु डेनमार्क बेस्ड मारिटाइम आंटी करप्शन नेटवर्क रो न्यू वाइस चेयरमैन होती कैप्टेन राजेश उन्नी। नेक्स्ट देखिबा, नेक्स्ट आम रही रिसेंटली आम जो माने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी सेक्रेटरी होती, तो यहाँ आप परीक्षा पचारि पारे। तो भल भाव मन रखु रिसेंटली आम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी सेक्रेटरी। तो रिसेंटली आम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी सेक्रेटरी होती अल्केश कुमार शर्मा। नेक्स्ट देखिबा, नेक्स्ट आम रही न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ एचपीसीएल। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रो रिसेंटली चेयरमैन एंड एमडी होती, समस्त भल भाव मन रखु चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर होती हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रो पुष्प कुमार जोशी।
तो नोटडाउन मध्ये करू थांतु जे कि आपनकर रिसेंटली मे मासर तो आपनकर परीक्षा आसी पारे। नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट आपन रहिछि फास्ट एवर, तो फास्ट एवर चीफ जे कि फास्ट एवर चीफ हेछंती चीफ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ऑफिसर, तो फास्ट एवर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हेछंती जे कि आपनकर सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमेरिकार से होती नंद मूलचंदानी, नंद मूलचंदानी, तो नंद मूलचंदानी होती सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जहाँकि अमेरिकार फास्ट एवर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम रही समस्ते भल भाव मन रखु नेक्स्ट आम रही तरुण कपूर, तो देखु तरुण कपूर, तो तरुण कपूर विषय कौन रहा तरुण कपूर रिसेंटली आम मे मस अपॉइंटेड होती एडवाइजर टू पीएम मोदी, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, तो समस्ते भल भाव मन रखु रिसेंटली अपॉइंटमेंट रही तो तरुण कपूर होती एडवाइजर जे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो सीबीडीटी, तो सीबीडीटी आप क्वेश्चन पचारिपे, तो सीबीडीटी रिसेंटली चेयरमैन किए होती जी पचारा सीबीडीटी रिसेंटली चेयरमैन किए होती, तो सीबीडीटी रिसेंटली मे 2022 जे चेयरमैन होती से होती मिसेस संगीता संगीता सिंह, मिसेस संगीता सिंह होती सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस चेयरमैन। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही देखु NCSC माने आमर नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट, तो नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट चेयरपर्सन, तो यहाँ आपन को परीक्षा पचारि पारे। तो रिसेंटली आमर जेहेतु अपॉइंटमेंट रही तो मे 2022 नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो चेयरपर्सन होती से होती विजय सांपला, विजय सांपला, तो विजय सांपला होती NCSC चेयरपर्सन। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम रही न्यू चेयरपर्सन ऑफ नास्कम, न्यू चेयरपर्सन ऑफ नास्कम, तो नास्कम रो फुल फॉर्म टा कोन आपण कमेंट रे जणेबे। तो देखो तो नास्कम रो रिसेंटली चेयरपर्सन जे हेचंती से होचंती कृष्णन कृष्णन रामानुजन, कृष्णन रामानुजन होती रिसेंटली चेयरपर्सन ऑफ नास्कम। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही रिसेंटली न्यू ग्लोबल पीस आंबासडर होती 2022, तो देखु ग्लोबल पीस आंबासडर 2022 रिसेंटली ग्लोबल पीस आंबासडर होती समस्ते भल भाव मन रखु नाटा हो बबीता सिंह, बबीता सिंह, तो बबीता सिंह होती रिसेंटली ग्लोबल पीस आंबासडर 2022। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही जहाँकि आर्मी उपर देखु प्रथम आप क्वेश्चन पचारि पारे, तो न्यू न्यू डीजी होती जे कि आम मिलिटरी ऑपरेशन पे, मिलिटरी ऑपरेशन पे, तो न्यू डीजी ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन होती रिसेंटली अपॉइंटेड होती लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार, मनोज कुमार कातियार, तो मनोज लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कातियार होती रिसेंटली न्यू डीजी ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही रिसेंटली न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किए होती, न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिसेंटली किए अपॉइंटेड होती आप मोस्ट इंपोर्टेंट, तो भल भाव मन रखु ना होती लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होती रिसेंटली न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAF मन रखु, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिते पचार बर्तमान रिसेंटली अपॉइंटेड होती मे मस मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होती चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ।
नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही रिसेंटली आम आरबीआई अपॉइंटेड करी जहाँकि एमडीसीओ डीसीबी बैंक तो देखो एमडी माने मैनेजिंग डायरेक्टर आउ सीईओ करी जहाँकि डीसीबी बैंक रो डीसीबी बैंक जो रही डीसीबी बैंक रो रिसेंटली आरबीआई अपॉइंटेड करी जहाँकि मुरली नटराजन होती रिसेंटली जहाँकि आरबीआई अपॉइंटेड करी एमडी आउ सीईओ ऑफ डीसीबी बैंक। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम रही दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन रो तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन रो रिसेंटली जैकि मैनेजिंग डायरेक्टर है किए विकास कुमार तो आपंकर यहीगुड़िक मोस्ट इम्पोर्टाट नोट डाउन भल भाव करूँ तो प्रिवियसली जेहेतु मैंने आपंकर मन रखिले आप इजिली परीक्षा जो आसो डायरेक्ट आप एमसीक्यू टिक करेंगे तो मोस्टली आप नोट डाउन कर दिखुं तो आउ गोटे क्वेश्चन रहीगला आउ गोटे क्वेश्चन आप भल भाव मन रखु रिसेंटली आम आपइंटमेंट जब पचारा इंडिया किए रिसेंटली आपइंटेड होती आज आसोसीएटेड आडमिनिस्ट्रेटर अफ द यूएनडीपी तो यूएनडीपी देखो इंडिया आम भारत रिसेंटली यूएनडीपी आपंकर क्वेश्चन पचारिपे यूएनडीपीटा कौन तो यूएनडीपी होती आप यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रो रिसेंटली जे कि अपॉइंटेड होती आम इंडिया आसोसिएटेड एडमिनिस्ट्रेटर तो आसोसिएटेड एडमिनिस्ट्रेटर जी होती आसोसिएटेड एडमिनिस्ट्रेटर होती नाँटा भल भाव मन रखु नाँटा होषा राव तो उषा राव रिसेंटली अपॉइंटेड होती आज द आसोसिएटेड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूएनडीपी जहाँकि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम तो ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा आसवर संभावना बहुत रोचे तो देखो रिसेंटली आउ गोटे क्वेश्चन आपड़ी पचारा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जहाँकि आईटीयू रो रिसेंटली आम इंडिया रु जड़े सिलेक्टेड होती भाइस चेयरपर्सन तो ये आप रिसेंट कथा तो आप रिसेंटली जे भाइस चेयरपर्सन होती आम इंडिया रु इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन तो रिसेंटली ये आप बहुत गुड़िया मानने परीक्षा पचार तो ये क्वेश्चन आंसर होपराजिता शर्मा तो समस्ते भल भाव मन रखु मोस्ट इम्पोर्टाट आम परीक्षापी तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन रो इंडियन भाइस चेयरपर्सन होती अपराजिता शर्मा। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही आईटीडीसी तो आईटीडीसी आपलरेडी शुणी थे डिस्कसन करी प्रीवियस अपॉइंटमेंट रे तो आईटीडीसी रो रिसेंटली जे अपॉइंटमेंट होती चेयरपर्सन बा चेयरमैन तो चेयरमैन रिसेंटली जे कि चेयरमैन किंवा चेयरपर्सन कहीपरिबे तो आईटीडीसी रो रिसेंटली चेयरमैन होती संबित पात्रा जे कि आम ओडिशा रु बिलोंग करती तो समस्ते आपण माने भल भाव जानते बीजेपी रो जे कि मुख्य प्रवक्ता तो संबित पात्रा रिसेंटली आमर होती चेयरमैन ऑफ आईटीडीसी तो एथि आपणकर आउ गोटे क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन रही जे कि जो आईटीडीसी रो रिसेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर किए तो रिसेंटली अपॉइंटेड होती मैनेजिंग डायरेक्टर जहाँकि मे 2022 रे तो रिसेंटली आईटीडीसी रो जे मैनेजिंग डायरेक्टर से होती समस्ते नाँटा भल भाव मन रखु जी कमला बर्धन राव मे मसर जहाँकि आप एक तारीख सुधा जोतक अपडेट थी मैंने करेन्ट अपॉइंटमेंट थी से सबुतक आम डिस्कसन कर सारी आउ जोतक रहा चलत सेगुड़िकसन करदे तो देखो प्रथम आप चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमिशन तो रिसेंटली आम इंडिया रे चेयरमैन अच्छा 15th फाइनेंस कमिशन से होती नंदकिशोर सिंह बा एनके सिंह। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही न्यू डेप्युटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया तो देखो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आप जानते अजित डोभाल जी अच्छा तो अंडर जे अच्छा डेप्युटी जे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जे कि डेप्युटी हिसाब से होती विक्रम मिश्री।
नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम रही द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो देखो यूपीएससी रो न्यू चेयरमैन बर्तमान रिसेंटली अपॉइंटमेंट होती जहाँ कि मे मस जानते पूर्वर थे प्रदीप कुमार जोशी कि बर्तमान अच्छा आपं मोस्ट इंपोर्टेंट जब पचारा जी यूपीएससी चेयरमैन किए अच्छा बर्तमान जहाँ कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन चेयरमैन रिसेंटली अच्छा डॉक्टर मनोज सोनी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम रही रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो देखो रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अच्छा तरुण बजाज। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जब पचारा तो रिसेंटली अच्छा अजय कुमार। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम रही द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन। तो एनएचआरसी रिसेंटली जेकि चेयरमैन अच्छा अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम रही डेपुटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो देखो डेपुटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रिसेंटली अच्छा हरिवंश नारायण सिंह। तो हरिवंश नारायण सिंह अच्छा डेपुटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम रही न्यू चेयरमैन ऑफ ओएसएससी माने ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन रिसेंटली आम अपॉइंटेड होती आईपीएस अभय। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम रही न्यू डायरेक्टर जनरल बा डीजी। तो डीजी अच्छा बर्तमान बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स से होती पंकज कुमार सिंह। तो समस्ते भल भाव मन रखु बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स माने बीएसएफ रिसेंटली जे अच्छा डीजी रिसेंटली डीजी अच्छा पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। तो आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड रो डीजी अच्छा बर्तमान बीरेन्द्र सिंह पठानिया। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम रही न्यू चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी। तो सीओएससी तो चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी रो सीओसीएस सीओएससी रो चेयरमैन अच्छा समस्ते भल भाव मन रखु से होती मनोज मुकुंद नरवणे। तो न्यू चेयरमैन अच्छा चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी रो मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम रही न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो देखो न्यू चीफ होती इंडियन एयरफोर्स रो से होती विवेक राम चौधरी बा भी आर चौधरी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम रही न्यू डेपुटी चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो देखो डेपुटी चीफ होती इंडियान एयरफोर्स रे होती नर्मदेश्वर तिवारी। तो देखो ये आपंकर करेन्ट अपॉइंटमेंट उपरे जहाँकि रिसेंटली होती। तो भल भाव मन रखिए जहाँकि पूर्वर थे संदीप सिंह कि संदीप सिंह को बर्तमान मानने अपॉइंटमेंट होती जहाँकि नर्मदेश्वर तिवारी जेकि न्यू डेपुटी चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम रही न्यू डायरेक्टर जनरल बा डीजी ऑफ इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स माने आईटीबीपी रो डीजी बर्तमान अच्छा संजय अरोरा। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम रही न्यू डायरेक्टर जनरल बा डीजी। न्यू डीजी होती नेशनल डिजास्टर रेस्पन्स फोर्स बा एनडीआरएफ। तो देखो एनडीआरएफ रो डीजी बर्तमान अच्छा अतुल करवाल। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम रही न्यू डायरेक्टर जनरल बा डीजी जेकि डीजी ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो बीआरओ रो डीजी बर्तमान अच्छा राजीव चौधरी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम रही। तो देखो इंडियाज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन माने रिसेंटली जी डायरेक्टर जनरल माने डीजी होती मिलिटरी ऑपरेशन नाटा होती बीएस राजू। तो बीएस राजू माने टोटल नाटा भल भाव मन रखु बाघाभली सोमशेखर राजू बाघाभली सोमशेखर राजू। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम रही वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो देखो रिसेंटली अपॉइंटेड होती वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जेकि लेफ्टिनेंट जनरल बाघावली सोमशेखर राजू रिसेंटली अपॉइंटेड होती वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जहाँकि अपॉइंटमेंट होती फर्स्ट मे 2022 माने रिसेंट रो कथा। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो देखो एनएसजी एनएसजी रो न्यू डीजी होती एम ए गणपति। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम रही फास्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ ऑर्डिनेंस। देखो ये आपंकर परीक्षा रे निश्चिंत आसवर संभावना बहुत रोज न्यूज रे आसला। तो फास्ट डायरेक्टर जनरल होती डायरेक्टोरेट ऑफ ऑर्डिनेंस से होती ईआर शेख। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम रही द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलार अलायंस। तो देखो इंटरनेशनल सोलार अलायंस जैकि आईएसए रो डायरेक्टर जनरल बा डीजी होती अजय माथुर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम रही न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो देखो आईसीसी रो प्रेसिडेंट रिसेंटली अपॉइंटेड होती ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम रही न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ऑलरेडी डिस्कशन कर सारी थे तो आप जानते संबित पात्रा होती आईटीडीसी रो चेयरपर्सन बा चेयरमैन। तो सटीक उत्तर होती संबित पात्रा। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम रही न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो देखो एनएचएआई तो एनएचएआई रो चेयरपर्सन होती जैकि रिसेंटली से होती अलका उपाध्याय।
नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम रही न्यू एजुकेटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बा ईडी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो ईडी रिसेंटली जे अपॉइंटेड हेछन्ती से होछन्ती डॉक्टर राजीव रंजन। तो रिसेंटली एटा मते अपॉइंटेड हेछि जे कि मे मासरे तो अजय कुमार पूर्व थिले तो तांकु वर्तमान पास बाय करिके जाइछन्ती जे कि तांको आगे अछन्ती वर्तमान डॉक्टर राजीव रंजन। तो आपनकर मोस्ट इंपोर्टेंट जे कि आपनकर आरबीआई रु मते क्वेश्चन पचारि पारे जे कि रिसेंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई काहा करिछि, तो सटीक उत्तर हेछि डॉक्टर राजीव रंजन। तो आपन केबे भी कन्फ्यूज हेबे ने अजय कुमार बोली, अजय कुमार थिले किंतु वर्तमान अपॉइंटेड हेछन्ती डॉक्टर राजीव रंजन जे कि 2022 रे अपडेट रहिछि। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट टाइम रहिछि चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो रो चेयरमैन वर्तमान अछंती एस सोमनाथ। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हमर होईची फास्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो देखंतु सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया रो रिसेंटली फास्ट वुमेन प्रेसिडेंट जे छेंती से होछंती नीतल नारंग। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हमर होईची चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी रो चेयरमैन पचारा, तो सेबी रो चेयरमैन आपण परीक्षा में पचारि पारे। तो सेबी रो चेयरमैन वर्तमान अछंती माधवी पुरी बुच। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हमर रहिछि चेयरमैन ऑफ द कंपटीशन कमिशन ऑफ इंडिया। तो देखंतु सीसीआई जे कि आपणकर सीसीआई माने आपण कंपटीशन कमिशन ऑफ इंडिया रो चेयरमैन रिसेंटली अछंती अशोक गुप्ता। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हमर रहिछि न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन बा इफ्को। इफ्को रो चेयरमैन रिसेंटली अपॉइंटेड हेछन्ति जे कि से होछन्ति दिलीप सांघानी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हमर रहिछि इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो आईआईसीए रो न्यू डीजी एंड सीईओ हेछन्ति प्रवीण कुमार। तो एटा आपनकर मध्ये परीक्षा पई मोस्ट इंपोर्टेंट, भला भाबरे मन रखंतु। नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट आपन रहिछि कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अछन्ति राजीव गौबा। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम रही न्यू कमर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो आम देखो न्यू कमर्स सेक्रेटरी आम इंडिया माने आम कंट्री रही बीवीआर सुब्रमण्यम। तो देखो बीवीआर सुब्रमण्यम होती न्यू कमर्स सेक्रेटरी ऑफ आर इंडिया। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम रही न्यू चेयरमैन ऑफ हॉकी इंडिया। तो देखो हॉकी इंडिया जो रही तार चेयरमैन होती ज्ञानेन्द्र निगोबाम। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम रही चेयरमैन ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो देखंतु इंटेलिजेंस ब्यूरो रो चेयरमैन रिसेंटली जे हेछन्ती से होछन्ती अरविंद कुमार। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हमर रहिछि न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ आवर कंट्री। तो देखंतु सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर रिसेंटली हमर इंडिया जो अपॉइंटेड हेछन्ती से होछन्ती सुरेश एन पाटिल। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हमर रहिछि चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमिशन। देखंतु एसएससी रो जो चेयरमैन हेछन्ती से होछन्ती एस किशोर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हमर रहिछि डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट माने सीबीआई रो डायरेक्टर जनरल माने डीजी हेछन्ती, सीबीआई रो डीजी रिसेंटली हेछन्ती सुबोध कुमार जयसवाल। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हमर रहिछि द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम माने सीबीआईसी रो रिसेंटली जे चेयरमैन हेछन्ती से होछन्ती विवेक जोहरी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हमर रहिछि न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। तो देखंतु न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा हेछन्ती जे कि उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हमर रहिछि फास्ट लोकपाल ऑफ आवर कंट्री। तो देखंतु हम इंडिया जो फास्ट लोकपाल हेतिले तांको नाम हेउछि पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हमर रहिछि न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो देखंतु सीईसी, तो न्यू सीईसी हेछन्ती माने चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया हेछन्ती राजीव कुमार। तो सुशील चंद्र पूर्व थिले तांको परे वर्तमान आछन्ती जे कि रिसेंटली अपॉइंटेड हेछन्ती राजीव कुमार। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हमर रहिछि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो देखंतु मोस्ट इंपोर्टेंट आपणकर परीक्षा पई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिसेंटली जे अछन्ती से अछन्ती के वेणुगोपाल। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हमर रहिछि न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी माने एनएआरसीएल। तो नारकल रो रिसेंटली चेयरमैन हेछन्ती सुब्रत विश्वास। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हमर रहिछि डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो एनसीबी रो डीजी हेछन्ती रिसेंटली अपॉइंटेड से होछन्ती सत्यनारायण प्रधान। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हमर रहिछि न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो देखंतु भल भाबरे एटा आपनकर परीक्षा पई मोस्ट इंपोर्टेंट। तो सेक्रेटरी जे रिसेंटली हेछन्ती मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन रो से होछन्ती राजीव बंसल। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हमर रहिछि हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ नासा। तो देखंतु नासा रो प्रेसिडेंट रिसेंटली अपॉइंटेड हेछन्ती जे कि बिल नेल्सन। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हमर रहिछि न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो देखंतु एनएसडी रो रिसेंटली जे कि आगुर थिले परेश रावल थिले किंतु वर्तमान जे कि डायरेक्टर अछंती एनएसडी माने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रो जे कि डायरेक्टर अछंती से होछंती डॉक्टर रमेश चंद्र गौर जे कि रिसेंटली अपॉइंटमेंट तांकर हेछि 15 मार्च 2022 रे। तो आज होछि 21 तारीख, तो आपण जानि परथे भला परे जे 5-6 दिन भितर तांकर अपॉइंटमेंट हेछि। तो देखंतु एथरे आपणकर आउ गोटे क्वेश्चन होछि जॉइंट सेक्रेटरी इन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो देखो रिसेंटली किए अच्छा जॉइंट सेक्रेटरी जैकि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस रे माने पीएम रे। तो ये आप टैक्स रहा कमेंट निश्चिंत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही
प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया तो देखंतु क्वेश्चन जदी पचारीबो प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट की अछंती प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया रो माने पीटीआई रो प्रेसिडेंट बर्तन की अछंती तो सटीक उत्तर होची अबिक सरकार। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हमर होईची न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरो तो देखंतु डायरेक्टर जे अछंती नेशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो माने एनसीआर ब्यूरो डायरेक्टर जे अछंती से अछंती विवेक गोजिया। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हमर होईची द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल माने नाकलाट तो नाकलाट रो जो रिसेंटली चेयरमैन हेचंती से होचंती अशोक भूषण। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हमर होईची न्यू डायरेक्टर जनरल माने न्यू डीजी हेचंती नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी बा नाडारो नाडारो डायरेक्टर जनरल हेचंती बा डीजी नाडारो डीजी हेचंती सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट आपण रहिची चेयरमैन ऑफ नाबार्ड नाबार्डटा कोनो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो रहिची हमर बैंक टी नाबार्ड तार चेयरमैन हेचंती गोविंद राजुलु चिंताला तो रिसेंटली से अपॉइंटेड हेचंती। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हमर रहिची न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड माने एनएचआई डीसीएल रो रिसेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर जे हेचंती बा एमडी हेचंती से होचंती चंचल कुमार। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हमर रहिची वुमेन स्पोक्स पर्सन इन द यूनाइटेड नेशन तो देखंतु आपनकर रिसेंटली मोस्टली आपनकर यूनाइटेड नेशन उपरे पचारिबो जे कि वुमेन्स को उपरे तो के कोन अछन्ति ठीक भलावे रिलेटेड देखि देबे ता उपरे मध्ये वीडियो मो आनीबी जे कि आपन देखि परिबे तो यदि आपन पारुछन्ति ताले निश्चित निजे सर्च करी देखि नियंतु जे कि वुमेन जो रिलेटेड बड़ बड़ पोजिशन अछन्ति यूनाइटेड नेशन सेगुडक आपन परीक्षा निश्चित पचारि परे तो ठीक भलावे देखि देबे। तो देखंतु क्वेश्चन आपनकर कोन पचारिछि वुमेन स्पोक्स पर्सन इन द यूनाइटेड नेशन तो देखंतु रिसेंटली वुमेन स्पोक्स पर्सन जे यूनाइटेड नेशन रे अछन्ति से अछन्ति कैप्टन जोया साप्रा अगरवाल। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हमर होईची द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड माने ईईएसएल रो रिसेंटली जे माने सीईओ अछन्ति से अछन्ति अरुण कुमार मिश्र। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हमर होईची द न्यू स्पोक्स पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तो देखंतु मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बा एमईए रो रिसेंटली जे स्पोक्स पर्सन अछन्ति से अछन्ति अरविंद बागची। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हमर होईची डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी तो देखंतु रिसेंटली डीजी अछन्ति फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी से अछन्ति सीपी गोयल तो सीपी गोयल पूरा नाटा कौन कमेंट में मेंशन निश्चिंत करेंगे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हमर रही न्यू को चेयरमैन ऑफ फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल जैकि एफआईडीसी तो एफआईडीसी रो को चेयरमैन पचार तो चेयरमैन पचारनी को चेयरमैन पचार तो देखो एफआईडीसी रो को चेयरमैन अच्छा कमलेश गांधी तो आप टास्क रहा जे चेयरमैन किए अच्छा एफआईडीसी कमेंट करेंगे। तो देखो टोटल जो अपॉइंटमेंट तक था टोटल अपॉइंटमेंट तक आम डिस्कसन कर सारी मुशा करूँ वीडियोटी भल लगी यदि वीडियोटी भल लगी लाइक करेंगे कमेंट करेंगे सांग मानक अधिक सेयार करेंगे।